हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे स्कूटर के बारे में सुना है जो ऑटो बैलेंस हो जाता है? आपने ऐसी आइसिकल्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन अभी तक किसी स्कूटर के बारे में नहीं सुना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि लाइगर मोबिलिटी, जो कि एक इंडियन बेस्ड स्टार्टअप है, उन्होंने एक स्कूटर तैयार किया है जो कि ऑटो बैलेंसिंग और ऑटोनोमस स्कूटर टैग से अनेबल्ड है। इसके फाउंडर हैं आशुतोष चौधरी और विकास पोडर, ये दोनों ही इंडियन IIT ग्रेजुएट्स हैं। इन्होंने 2016 में मुंबई में स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया था और इसका पर्पज था कि टू व्हीलर्स राइड को सेफ बनाना, और साथ ही साथ ये टेक है वो चीप भी होनी चाहिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेलेबल हो। ये जो इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है, ये सिर्फ 10% ही कॉस्टली है नॉर्मल स्कूटर के प्राइस से, और इसके अंदर काफी अच्छी फीचर्स हैं जैसे इम्पैक्ट प्रूफ, लो मेंटेनेंस, सेल्फ बैलेंसिंग, वॉइस अनेबल्ड पार्किंग, एक नई फीचर है जो कि अभी तक इंडिया में किसी भी कार या स्कूटर बाइक में अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये वॉइस अनेबल्ड जो पार्किंग है, वो सिर्फ अगर ये पार्किंग में खड़ी है तो वॉइस कमांड के थ्रू आप इसको अपने पास बुला सकते हैं। हालांकि अभी ये वॉइस अनेबल्ड पार्किंग प्रॉपरली नहीं हुई है, जैसे कि आप इसको कमांड दें कि पार्किंग में खड़ी हो जाए, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है। अगर ये भी हो जाती है तो ये काफ़ी अमेजिंग हो जाएगा। एक इसमें बहुत ही अमेजिंग फीचर है जो कि है फीट ऑलवेज ऑन बोर्ड, जिसके द्वारा ये काउंटर बैलेंसिंग कर देता है और ऑटोमेटिकली इवन इम्पैक्ट अगर कोई होता है या कुछ ऐसे धक्का लग जाता है तो भी ये काउंटर बैलेंस करके आपको गिरने नहीं देता है, जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाएंगे। ये सारा इन्होंने तैयार किया है, 2 साल की रिसर्च है, उसमें काफ़ी प्रोटोटाइप्स वगैरह इन्होंने क्रिएट किए हैं, और इनका कहना यह है कि ये जो है टेक्नोलॉजी, ये इलेक्ट्रिक और नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर्स में भी इंस्टॉल की जा सकती है। अभी ये सिर्फ प्रोटोटाइप में ही है, जैसे कि आपने देखा है कि ये टेक्नोलॉजी पहले भी BMW, होंडा जैसी कंपनियां इंट्रोड्यूस कर चुकी हैं, बट वो सभी अभी प्रोटोटाइप में ही हैं, उन पे काफ़ी रिसर्च होना बाकी है। देखना होगा कि कब तक ये इंडियन मार्केट में अवेलेबल होती है, और उसके बाद ऑब्वियसली जो एक्सीडेंट होते हैं, टू व्हीलर्स में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वो कम हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए, और इसको दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें।